गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत आप सभी का श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ओर से संचालित की जाने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी की। अब से पहले के जो प्रीवियस वीडियो थे हमारे, उसमें हमने सबसे लास्ट में मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकर संकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण। हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड या द्विसंकर संकरण की। जैसे हमने मोनोसंकर संकरण, एकल संकरण क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमने पढ़ा था, उसमें मोनोहाइब्रिड में मोनो यानी एक लक्षण, उसी तरह अगर हम डाईहाइब्रिड की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, डाई और हाइब्रिड। डाई यानी दो, तो डाईहाइब्रिड या द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या था? इस प्रयोग के लिए मेंडल ने दो लक्षणों को आधार माना था। मेंडल ने जो 7 जोड़ी विप्रियाशील लक्षणों की सूची तैयार की थी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, उन्हीं 7 जोड़ी विप्रियाशील लक्षणों में से किन्हीं भी दो लक्षणों को आधार मानकर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण प्रयोग को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की बात करें तो वह संकरण जिसमें दो लक्षणों को आधार मानकर लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, उसे क्या कहा जाता है? द्विसंकर संकरण कहा जाता है। तो परिभाषा अपन ऐसे दे सकते हैं, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों को आधार मानकर लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है भाई? द्विसंकर संकरण कहा जाता है। वह संकरण जिसमें दो लक्षणों को आधार मानकर लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? द्विसंकर संकरण कहा जाता है। अब अगर हम द्विसंकर संकरण की बात करें तो इसके लिए मेंडल ने द्विसंकरण प्रयोग के लिए मेंडल ने जनक पौधे लिए, पेरेंट्स जिनको अपन कह रहे हैं जनक पौधे। तो दो लक्षणों के आधार पर इसने जनक पौधे लिए। इसने जो एक लक्षण काम में लिया वो लिया बीज का आकार। एक लक्षण तो इसका किसने काम में, कौन सा काम में लिया? बीज का आकार। और एक लक्षण इसने काम में लिया बीज का रंग। इन दो लक्षणों के आधार पर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण को समझने जा रहे हैं, एक बीज का आकार और दूसरा बीज का रंग। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बीज के आकार की बात करें तो बीज के आकार के आधार पर एक होता है प्रभावी लक्षण और एक होता है अप्रभावी लक्षण। जो प्रभावी लक्षण होता है वो कौन सा है? कौन? गोल बीज प्रभावी लक्षण है, जिसका अपन ने पहले अध्ययन किया था। और झुर्रीदार बीज कैसा लक्षण है? अप्रभावी। इसी तरह अगर हम बीज के रंग की बात करें तो बीज के रंग के आधार पर हम देखें तो जो पीला रंग है वो कैसा लक्षण है? प्रभावी। और जो हरा रंग है बीज का वो कैसा लक्षण है? अप्रभावी। हरा रंग कैसा लक्षण है? अप्रभावी। तो इन दो लक्षणों के आधार पर मेंडल ने ऐसे पौधों का चयन किया जिसके अंदर एक पौधा था जिसके बीज गोल थे और बीज का रंग कैसा था? हरा। यानी पेरेंट्स के रूप में इसने एक वो पौधा लिया काम में जिसपे बीज गोल आते थे और बीज का रंग कैसा था? पीला था। इसका मतलब ये हुआ, एक बार आप इसको इधर समझो, जैसे मान लो ये मटर के बहुत सारे पौधे हैं, ठीक है, ये सब मटर के पादप हैं। इनमें से जो ये पौधे वो पौधे हैं जिन पर बीज गोल आते हैं और बीज का रंग कैसा होता है? पीला। ऐसे बीज बिल्कुल गोल और बीज का रंग कैसा दिखाई देगा? पीला। तो ये वो पौधे हैं जो गोल बीज और पीले रंग वाले बीज उत्पन्न करते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे जो पौधे उसने उगा रखे थे उनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो एग्जैक्ट ये तो गोल है लेकिन ये थोड़ा सा यूँ पिचका हुआ, रिंकल्ड जिसको अपन कह रहे हैं, पिचका हुआ बीज है और बीज का रंग कैसा है? हरा। तो कुछ पौधे ऐसे थे जो झुर्रीदार और हरे रंग के बीज उत्पन्न करते थे। तो इन्हीं पौधों में से इसने एक पौधा तो वो ले लिया जो गोल और पीले बीज वाला था और एक पौधा वो ले लिया जो झुर्रीदार और हरे बीज वाला था। और गोल एवं पीले बीज वाले पौधों का झुर्रीदार एवं हरे बीज उत्पन्न करने वाले पौधों के बीच क्या करवा दिया? इसने संकरण करवा दिया। तो इस तरीके से इन दो लक्षणों के आधार पर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा
कि मेंडल के पास बहुत सारे जो पौधे थे उन पौधों में से उसने पेरेंट्स डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए ऐसे पौधों का चुनाव किया जिनमें से कुछ पौधे गोल एम पीले बीज उत्पन्न करते थे और संकरण के लिए जो दूसरे पौधे पेरेंट्स के रूप में चुने वो झुर्रीदार एवं हरे बीज उत्पन्न करते थे। अब अगर हम इन दो लक्षणों के आधार पर बात करें तो संकरण के लिए जो इसने पौधा काम में लिया वो एक कौन सा था, गोल एवं हरे बीज पीले बीज वाला, तो अपन ये कह सकते हैं गोल एवं पीले बीज वाला पादप। और दूसरा पौधा कौन सा था, झुर्रीदार एवं हरे बीज वाला पादप। अब प्रत्येक के रूप में दर्शाने के लिए जैसे हमने पहले बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो में, अगर बीज का आकार गोल है तो गोल को दर्शाने के इसलिए अंग्रेजी का जो लेटर इसने काम में लिया था, तो गोल बीज के जो गोल आकार का निर्धारण करने वाला जो जीन था इसके एलील्स को दर्शाने के लिए इसलिए काम में लिया था कैपिटल आर। और इसी तरह पीले रंग को रिप्रेजेंट करने के लिए इसने क्या काम में लिया, कैपिटल वाई। इसका मतलब गोल पीले बीज वाले पौधे को अपन किससे दर्शा सकते हैं, कैपिटल आर और कैपिटल वाई से। वो पौधा है जो गोल एवं पीले बीज उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह झुर्रीदार की बात करें, झुर्रीदार रिंकल्ड यानी बीज का जो झुर्रीदार आकार है उसके लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो जीन है उसके एलील को दर्शाने के लिए इसलिए क्या काम में लिया, स्मॉल आर। और हरे रंग को दर्शाने वाले को स्मॉल वाई से इसने क्या किया, रिप्रेजेंट। इसका मतलब ये जो पौधा है हमारे पास ये वास्तव में कौन सा पौधा है जो झुर्रीदार एवं हरे रंग के बीज उत्पन्न कर रहा है, तो ये तो गोल एवं पीले बीज पैदा करने वाला पौधा है और ये झुर्रीदार एवं हरे बीज बनाने वाला पौधा है। इन दोनों पौधों को अपन क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं, इनको अपन कह रहे हैं पेरेंट्स या जनक पादप, ठीक है। अब इन पेरेंट्स या जनक पादपों के बीच ये जो मैंने चिन्ह लगाया है किसको प्रेजेंट कर रहा है, संकरण। इनके बीच मेंडल ने क्या करवाया, कृत्रिम तरीके से परपरागण करवाया, ठीक है। अब परपरागण के लिए इसने इनमें से किसी भी पौधे को अपन नर बना सकते हैं और किसी भी पौधे को इसने अपन भी बना सकते हैं, ये प्रयोग अपन भी कर सकते हैं, हालांकि अपन मेंडल के आधार पर इसको समझ रहे हैं। तो मेंडल ने इनमें से इन पौधों को इसने नर बना दिया और इन पौधों को इसने क्या बना लिया, मादा। हम उल्टा भी कह सकते हैं, हो सकता है इसने इसको मादा बनाया और इसको क्या बना लिया हो, नर। और नर और मादा बनाने की प्रक्रिया में पता है कि भाई विपुंसन तकनीक जिसमें पुंकेसरों को कैंचे की सहायता से हटाकर पौधे को मादा बना लिया जाता और जो प्रतिगाग्र है उसको थैली से बंद करके पौधे को क्या बना लिया जाता है, नर बना लिया जाता है। तो इस तरह इसने कुछ पौधों को नर और कुछ को क्या बना लिया, मादा बना लिया, ताकि उनके बीच क्या करवाया जा सके, परपरागण। अब हुआ क्या, अब इस चीज़ को अपन इधर शो कर लेते हैं ताकि अपने को एक साथ इसको समझने में आसानी हो। ये जो पौधे हैं, फिर मैं यहाँ से इसको हटा दूंगा, ये चीज़ अपने पास ऐसे जैसे नोट रह जाएगी। जैसे मान लो अपन अब इनके बीच क्या करवा रहे हैं, गैमेट्स बनवा रहे हैं, तो ये हमारे पास गोल पीले बीज वाला पौधा है और ये हमारे पास झुर्रीदार हरे बीज वाला पौधा है। तो अब इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, दोनों ही जनकों के अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन का पता है हमारे को भाई, हर एक जीव के शरीर में जनन कोशिकाओं के अंदर युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो जब इन पादपों में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इनमें गैमेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। अच्छा, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया के समय क्या होगा, किसी भी जीन के जो एलील हैं ये युग्मकों के निर्माण के समय पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। जैसे जब युग्मक बनेंगे तो कैपिटल आर दोनों पृथक हो जाएंगे और युग्मकों के निर्माण के समय अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे। उसी तरह जब ये दोनों भी अलग होंगे तो दोनों क्या होंगे, अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाएंगे। इस तरह इसमें कितने युग्मक बन जाएंगे, दो। सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई दो प्रकार के क्या बन जाएंगे, दो क्या बन जाएंगे, युग्मक बन जाएंगे। तो ये जो हमें देखने को मिल रहे हैं ये क्या हैं, ये युग्मक हैं। ये किसके फलस्वरूप बने, इन जनक पादपों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जनक पादपों में कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इनमें किसका निर्माण हो गया, युग्मकों का। तो इन्हें क्या कह सकते हैं अपन, युग्मक या गैमेट्स कह सकते हैं। इसका मतलब इसको अपन अब यहाँ भी शो कर सकते हैं, उस प्रक्रिया को उसको मैं मिटा दूंगा कुछ देर में। इसको अपन यहाँ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि इसमें दो प्रकार के गैमेट्स बन गए, कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर भी दो युग्मक बन गए, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास गैमेट्स बन गए। अब इनका क्या होगा, सेलन होगा। अब इनको अपन यहाँ समझने की बजाय यहाँ देखते हैं, जब इनका सेलन होगा तो युग्मकों का जो सेलन, अपन इसको यहाँ दर्शा सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, गैमेट्स, इनको युग्मक कहेंगे अपन, जो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बने। अब मेंडल ने जब परपरागण की विधि के द्वारा इनका सेलन करवाया तो इनमें से किसी का सेलन किसी के साथ भी हो सकता है,
लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि जो नर गैमेट्स हैं इसको अपन नर मान रहे हैं और इस पौधे को अपन क्या मान रहे हैं, मादा। तो जो नर गैमेट्स हैं इनका संलयन कभी भी अपने को आपस में नहीं करवाना, इनका आपस में संलयन नहीं होगा। ये हमेशा जो नर पौधे के गैमेट्स हैं इनका हमेशा मादा पौधे के जो गैमेट्स या युग्मक हैं उन्हीं के साथ क्या होगा, संलयन। तो एक स्थिति हमारे को ये देखने को मिलेगी, हो सकता है इसका संलयन इसके साथ हो, कैपिटल आर। अच्छा, संलयन करवाते टाइम ये ध्यान रखना है कि अगर अंग्रेजी के स्मॉल एम कैपिटल लेटर्स हैं तो कैपिटल लेटर्स को हमेशा पहले रखेंगे और स्मॉल लेटर्स को हमेशा क्या करेंगे, बाद में, और दोनों को साथ साथ रखेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो सकता है इस गैमेट का संलयन इसके साथ हो जाए, ज़रूरी थोड़ी है इसी के साथ हो सकता है इसके साथ हो, इसके साथ हुआ तो एक स्थिति होगी, उसमें भी हमारे को कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब ये जो दूसरा गैमेट है हो सकता है इसका संलयन इन दोनों के साथ हो, एक स्थिति ये हो। तो जब इस युग्मक का संलयन इसके साथ होगा तो उसी चीज़ को अपने को याद रखना होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हो सकता है इसका और इसका संलयन हो तो एक स्थिति जो आएगी अपने पास वही आएगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस तरह गैमेट्स यानी युग्मकों के संलयन से क्या बने, जैसे मान लो हमने इसको नर बनाया था और इसको मादा, तो इसके जो गैमेट्स हैं इनको मत कृत्रिम तरीके से इस पौधे पर पहुंचाया गया, और जब इन गैमेट्स का इस पौधे के गैमेट्स के साथ संलयन हुआ युग्मकों का, तो इसकी वजह से इस पौधे के अंदर बीज बने। जब इस पौधे पर बनने वाले बीजों को मेंडल ने प्राप्त करके जब ज़मीन में उगाया तो मेंडल को ये संततियाँ देखने को मिली। जब मेंडल ने इन बीजों को उगाया तो मेंडल को ये संततियाँ देखने को मिली। इन संततियों को क्या कहा जाएगा, F1PD की संततियाँ। क्या कहा जाएगा इन्हें, F1PD की संततियाँ। तो ये जो मेंडल को प्राप्त हुई ये क्या हुई, F1PD के पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, अब ये जो F1PD के पौधे प्राप्त हो रहे हैं, देखो ये सबसे पहले हमने बात कर ली थी कि देखो सब में कैपिटल आर आ रहा है, इसका मतलब अगर इन पौधों पर जो बीज बनेंगे उनको अपन देखेंगे तो सब कैसे होंगे, गोल। और सब में कैपिटल वाई आ रहा है तो हमें इस चीज़ का पता है, पहले हमने प्रभावी में अप्रभावी लक्षणों की बात करी थी भाई, जो पीढ़ी के अंदर F1PD में लक्षण प्रकट हो प्रभावी और जो लक्षण प्रकट नहीं होता है वो अप्रभावी। तो इन सब के अंदर जो कैपिटल वाई और कैपिटल आर शो हो रहा है इसका मतलब ये सभी पौधे F1PD के जो सभी पौधे हैं वो कैसे पौधे हैं, गोल पीले बीज वाले पौधे हैं, गोल पीले एवं झुर्रीदार हरे बीज पैदा करने वाले पौधों के बीज संकरण करवाया गया था, लेकिन F1PD के अंदर सभी पौधे गोल पीले बीज वाले ही प्राप्त हो रहे हैं, झुर्रीदार एवं हरे बीज वाला लक्षण कहीं पर भी F1PD के अंदर प्रकट नहीं हो रहा। तो अपने को यहाँ इसको इस तरह से लिखना है, F1PD के सभी पादप गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त हुए, गोल एवं पीले बीज वाले प्राप्त हुए। ठीक, कहीं पर भी इसके अंदर झुर्रीदार एवं हरे रंग का लक्षण प्रकट नहीं हुआ। अब मेंडल ने क्या किया, ये जो F1PD मेंडल ने प्राप्त कर ली, इन F1PD के पौधों के बीच मेंडल ने स्वपरागण कराया। और स्वपरागण के क्या लिए क्या किया, ये जितने भी पौधे हैं हमें पता है कि भाई मेंडल का जो पौधा है ये द्विलिंगी है, इस पर जो पुष्प आते हैं वो द्विलिंगी हैं। अब इन सब पौधों को इसने किसी प्रकार की कोई विपुंसन तकनीक काम में नहीं लिया और जैसे यथावत उगे हुए थे वैसे के वैसे इनको उगे रहने दिया। तो F1PD के जो पौधे थे उनमें स्वतः ही अपने आप क्या हुआ, स्वपरागण हुआ। और स्वपरागण के बाद इसके आगे F1PD के पौधों में स्वपरागण से कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F2PD प्राप्त हुई। तो एक बार इसको अपन यहाँ इस तरीके से शो कर सकते हैं कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके से समझाया। अब यहाँ से आगे इसका मतलब ये हुआ कि F1PD के पौधों के बीच क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैंने जो चिन्ह लगाया वो संकरण चिन्ह, इसको मैंने प्रपरागण के लिए दर्शाया यहाँ, और यहाँ पर अब इसको अपन एक्सप्लेन तो चिन्ह उसी के रूप में कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर वास्तव में क्या हो रहा है, स्वपरागण। F1PD के पौधों के बीच क्या हुआ, स्वपरागण हुआ। तो अब F1PD के पौधों के बीच जब स्वपरागण हुआ तो उससे आगे में क्या प्राप्त हुई, F2PD। इसका मतलब F1PD के किन्हीं भी पौधों को अपन यहाँ पर रखकर F2PD को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो F1PD हो गई। अब अगर F2PD की बात करें तो इसका मतलब इनमें से पौधों को किसी को भी ले लेते हैं अपन, जैसे मान लो यहाँ इसको शो कर दिया अपन ने कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर हुआ तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये दोनों F1PD के पौधे हैं। ठीक, अब इसमें स्वपरागण हो रहा है। अब जब स्वपरागण हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, ये F1PD यहाँ हो गई, F1PD के लिए ये जनक पौधे थे, ये क्या है, गोल पीले बीज वाला एम झुर्रीदार हरे बीज वाला जो पौधा है ये जनक पौधे हैं, ये F1PD के पेरेंट्स हैं।
लेकिन आगे जो हमें एफ टू पी डी प्राप्त हो रही है उस एफ टू पी डी के लिए कौन पेरेंट्स हैं, ये एफ वन पी डी के पौधे ही एफ टू पी डी के लिए क्या हैं, पेरेंट्स हैं। तो आप देखो इन पौधों के अंदर भी क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जब इन पौधों में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या बने, गैमेट्स बने या युग्मक बने। अब इसमें देखो युग्मकों के निर्माण के समय एक जीन के जो एलील हैं ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों एक लक्षण के लिए जिम्मेदार हैं और ये दोनों एक लक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। तो जब युग्मकों का निर्माण होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। देखो हो सकता है एक स्थिति ये हो कि कैपिटल आर अलग हो जाए और कैपिटल आर के साथ कौन आ जाए, युग्मक के कैपिटल आर के साथ दूसरे लक्षण के चलो वाई आ जाए, एक स्थिति ये हो सकती है। एक स्थिति हो सकता है ये हो कि कैपिटल आर हो लेकिन आर के साथ कौन हो, स्मॉल वाई हो, ये भी हो सकता है। एक स्थिति ये हो सकती है कि आर स्मॉल आर है इसके साथ कैपिटल वाई आ जाए, और एक स्थिति ये हो सकती है कि जो स्मॉल आर है इसके साथ स्मॉल वाई आ जाए। तो इस तरीके से कुल जो चार प्रकार के युग्मक हैं यहाँ पर हमारे को इसमें देखने को मिलेंगे। इनमें से भी हम किसी एक पौधे को नर बता रहे हैं और किसी एक को क्या बता रहे हैं, मादा, ठीक है। लेकिन ऐसा अपने को एक्सप्लेन नहीं करना। अच्छा अब इसमें भी देखें तो इसमें भी सेम युग्मकों के जो निर्माण की प्रोसेस है वो सेम वही होगी। देखो इसमें भी हो सकता है कैपिटल आर के साथ कौन आ जाए, कैपिटल वाई। हो सकता है कैपिटल आर के साथ कौन आ जाए, स्मॉल वाई। हो सकता है स्मॉल आर के साथ कौन आ जाए, कैपिटल वाई। हो सकता है स्मॉल आर के साथ कौन आ जाए, स्मॉल वाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें भी चार प्रकार के गैमेट्स बनेंगे। हमें कभी भी कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों को साथ नहीं रखना युग्मकों के निर्माण के समय। ये डिप्लोइड सेल है, जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इसके जो गुणसूत्र हैं वो डिवाइड हो जाएंगे और एक हैप्लोइड सेल बनेगी। तो इसलिए कैपिटल आर और स्मॉल आर भी हमेशा क्या होंगे, पृथक होंगे, क्योंकि ये एक ही जीन के दो एलील हैं। और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी क्या होंगे, पृथक होंगे। इसलिए कभी भी हमें युग्मकों में कैपिटल आर स्मॉल आर को और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को एक साथ नहीं रखना। जैसे हम किसी भी गैमेट्स में देखें तो देखो कैपिटल आर के साथ वाई है, कैपिटल आर के साथ भी वाई है, स्मॉल आर में साथ वाई है, स्मॉल आर के साथ वाई है। तो इस तरह इसके अंदर हमारे को चार प्रकार के गैमेट्स देखने को मिलेंगे। अब इसके हम चेकरबोर्ड की सहायता से समझा सकते हैं। देखो इनको हम इस तरीके से अगर इनके बीच हम क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पर ये ठीक तरीके से हम इसको समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए मेंडल ने क्या किया, जैसे मान लो ये जो गैमेट्स हैं इनको अपन क्या मान रहे हैं, नर, और ये जो गैमेट्स हैं इनको अपन क्या मान रहे हैं, मादा। तो दो तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसका जो चेकरबोर्ड बनाकर हमें इसका सेलन करवाना है वो दो तरीके से करवा सकते हैं। देखो एक सीधा तरीका तो ये है कि हमारे को ऐसे एक बॉक्स बनाना है, 4x4 का बॉक्स बोलते हैं इसे। ऐसे हमने 4x4 का एक क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया, ठीक। अब 4x4 इसको क्यों बोल रहे, इसके सेंटर में एक ऐसे लाइन खींचो, फिर इसके सेंटर में एक लाइन खींचो। ऐसे हमने 4x4 का एक बॉक्स बनाया, ठीक। अब इसके सेंटर में भी एक लाइन खींचो ऐसे। देखो हर एक बॉक्स 4x4 का हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके सेंटर में भी एक लाइन खींचो और इसके सेंटर में भी एक लाइन खींच दो और इसके सेंटर में भी क्या कर दो, एक लाइन खींच दो। इस तरह 16 खानों का हमारे पास एक चेकरबोर्ड बनकर तैयार हो गया। क्योंकि ये 16 खानों का जो चेकरबोर्ड है, इस चेकरबोर्ड के अंदर इन युग्मकों के सेलेन से जो संततियां बनेगी उन संततियों को अपने को क्या करना है, शो करना है। तो इसके लिए अब अपन क्या करेंगे, ये जो नरयुग्मक जिनको हम बोल रहे हैं इनको अपन क्या बोल रहे हैं, नरयुग्मक बोल रहे हैं। इसको अपन ऐसे डिवाइड कर रखा है, ये इससे पहले इधर एफ वन पी डी थी, अब इधर एफ वन पी डी के पौधों में स्वपरागण हो रहा है और उससे अपने को क्या प्राप्त हो रही है, एफ टू पी डी। तो अब अपने ये जो नरयुग्मक हैं इनको तो अपन क्या मान रहे हैं, मादा। तो अपन जो चिन्ह है वो इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं, तो इसका मतलब अपन यहाँ पर मादा गैमेट्स को शो करेंगे, और ये जो तीर का निशान लगा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर अपन इन नर गैमेट्स को शो करेंगे। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर देखो ये जो युग्मक हैं इनको अपन यहाँ शो कर देते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इनको इस तरीके से गोला बनाकर बंद कर देते हैं ताकि अपने को ध्यान रहे कि ये जो अपने लिखी हैं ये संततियां नहीं है, ये गैमेट्स हैं, नर और मादा युग्मक हैं। इसी तरह इन मादा गैमेट्स को अपन यहाँ शो कर देते हैं ताकि इनके बीच अपन क्या करवा सकें, क्रॉस करवा सकें, सेलेन दर्शा सकें। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और इनको भी अपने को क्या करना है, इस तरीके से गोले में बंद कर देना है ताकि अपने को ध्यान रहे कि ये क्या है, गैमेट है, ठीक है। तो एक तरफ अपन ने नर और एक तरफ अपन ने क्या बना दिए, मादा गैमेट्स बना दिए। अब अगर हम चाहें तो ये जो बाउंड्री वॉल है इसको हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से पैक कर सकते हैं। इस तरीके से 16 खानों का जो चेकरबोर्ड था वो हमारे पास कंप्लीटली बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अब अपने को क्या करना है,
इन गैमेट्स का संलयन शो करना है, इनके संलयन की प्रक्रिया को दर्शाना है। देखो ये जो गैमेट्स है इसका संलयन इन चारों के साथ होगा, फिर इस गैमेट का संलयन इन चारों के साथ होगा, फिर इसका संलयन इन चारों के साथ होगा, और फिर इसका संलयन इन चारों के साथ होगा। चाहे तो यूँ दर्शा दो, चाहे तो यहाँ से दिखा दो कि इसका संलयन हमें इसके साथ करवाना है, फिर इसका इसके साथ, इस तरह हर एक युग्म का संलयन चारों युग्मकों के साथ अपने को करवाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे मान लो ये गैमेट है, इसका संलयन इसके साथ होता है, तो देखो स्थिति क्या बनेगी, संतति जो बनेगी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। हमने जो युग्मक हैं उनके अंदर जो लेटर्स ले रखे हैं हमने दर्शाने के लिए, केवल अपन उन्हीं को यहाँ शो कर रहे हैं, तो वही दर्शा देंगे कि आगे वाले जो संतति है वो किस तरीके की बन रही है। अच्छा, इस युग्मक का संलयन हमें इसके साथ करवाना है, तो एक स्थिति बनेगी, वो बनेगी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल लेटर को हमें क्या करना है, पहले लिखना है, स्मॉल लेटर को हमें उसके बाद लिखना है। इसका युग संलयन इसके साथ करवाना है, तो यहाँ पर देखो आर कैपिटल है और यहाँ पर आर क्या है स्मॉल, यहाँ पर y और यहाँ पर y कैपिटल, तो कैपिटल y कैपिटल y। इसका संलयन अपने को इसके साथ करवाना है, तो यहाँ r क्या है कैपिटल और यहाँ r क्या है स्मॉल, यहाँ y क्या है कैपिटल और यहाँ y क्या है स्मॉल। तो एक स्थिति ये बनेगी। जिस तरीके से इस गैमेट का संलयन हमने इन चारों के साथ क्रम से करवाया, वैसे अब इस युग्मक का संलयन भी हमारे को इन चारों के साथ क्रम से शो करना होगा। तो जैसे हम इसका संलयन इसके साथ करवा रहे हैं, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका संलयन इसके साथ करवा रहे हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका संलयन अगर इसके साथ करवा रहे हैं तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका संलयन अगर हम इसके साथ करवा रहे हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरह इस गैमेट का संलयन भी हमने इन चारों गैमेट के साथ करवाया। वैसे ही प्रोसेस अब इसके साथ होगी, इस गैमेट का संलयन भी हमारे को पहले इससे फिर इससे फिर इससे और फिर इससे। जब इस गैमेट का संलयन इसके साथ होगा तो उसको हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा, जब इसका संलयन इसके साथ होगा तो यहाँ रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस तरीके से सभी खानों के अंदर हम इसको क्या करेंगे शो करेंगे। जैसे मान लो ये गैमेट से इसका संलयन अपने को इसके साथ करना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका संलयन इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका संलयन इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका संलयन इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ वाई स्मॉल है। सेम वही प्रोसेस अब इस गैमेट के साथ होगी, इसका संलयन भी अपने को इनको चारों के साथ करवाना है। तो देखो यहाँ पर आर स्मॉल है और यहाँ कैपिटल, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका संलयन इसके साथ होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इसका संलयन इसके साथ होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका संलयन इसके साथ होगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरीके से हमने चेकरबोर्ड तैयार किया जिसमें हमें युग्मकों के संलयन से F1 पीढ़ी के जो पौधे थे, इन F1 पीढ़ी के पौधों को जब हम पेरेंट्स या जनक पौधों के रूप में काम में लेके जो F2 पीढ़ी प्राप्त कर रहे हैं, उस प्राप्त होने वाली F2 पीढ़ी के अंदर कुल कितनी संततियाँ प्राप्त हुई, कुल 16 संततियाँ हमारे को यहाँ प्राप्त हुई। ये जो 16 खाने हमने बनाए हैं ये F2 पीढ़ी की 16 संततियाँ हैं। तो अपन इसको यहाँ शो कर सकते हैं F2 पीढ़ी। ये जो चेकरबोर्ड हमारे पास बना है कौन सी पीढ़ी का बन गया, F2 पीढ़ी का चेकरबोर्ड बन गया। ठीक, अब चूंकि मेंडल को निकालना क्या था, डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल को F2 पीढ़ी का जीनोटाइप और फिनोटाइप ज्ञात करना था, लक्षण प्रारूप और जीनीय प्रारूप। चूंकि मेंडल ने जब गोल एवं पीले और झुर्रीदार एवं हरे यानी दो लक्षण धारण करने वाले पौधों के बीच जब मेंडल ने क्रॉस करवाया, तो उनमें क्रॉस करवाने से जो F1 पीढ़ी मेंडल को प्राप्त हुई, उस F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे गोल एवं पीले बीज वाले ही प्राप्त हुए थे। लेकिन जब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच मेंडल ने स्वपरागण करवाया, तो F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण कराने से जो F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, इस पीढ़ी की जितनी भी संततियां मेंडल ने तैयार की, जब इन संततियों का इसने लक्षण प्रारूप या जो फिनोटाइप था वो जब इसने देखा, तो क्या देखने को मिला इसको कि इसके अंदर जो एम पीले और झुर्रीदार एम हरे ये जो लक्षण थे ये तो प्रकट हुए ही हुए, इसके अलावा अलग से दो और लक्षण इसको F2 पीढ़ी के अंदर देखने को मिले। जब इन पौधों को इसने जाके देखा तो देखो इसके अंदर कौन कौन से जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या मिला। तो सबसे पहले F2 पीढ़ी का फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब लक्षण प्रारूप अनुपात। F2 पीढ़ी का फिनोटाइप निकालने के लिए मेंडल ने प्रारूप मेंडल को देखने को मिला, उसमें मेंडल को
कुछ पौधे नजर आए गोल एवं पीले बीज वाले। कुछ पौधे कैसे नजर आए, जिनके बीज कैसे थे गोल और बीज का रंग कैसा था पीला। अच्छा, कुछ पौधे जो मेंडल ने देखे वो थे जिनका बीज का आकार तो क्या था गोल था, लेकिन जो बीज का रंग था वो कैसा था हरा। अच्छा, एक स्थिति मेंडल को ये देखने को मिली कि प्राप्त 16 संततियों में से कुछ पौधे ऐसे थे जिनका बीज का आकार कैसा था झुर्रीदार और बीज का रंग कैसा था पीला। अच्छा, कुछ पौधे जो मेंडल को देखने को मिले वो कैसे थे जिनका बीज का आकार कैसा था झुर्रीदार और बीज का रंग कैसा था हरा। तो इस तरीके से इसको संततियां देखने को मिली। देखो, बीज का आकार गोल और बीज पीले रंग का, तो इस तरीके की संतति इसने FNPD के लिए जनक पेरेंट्स के रूप में काम में ली। अच्छा, बीज का आकार झुर्रीदार और बीज का रंग हरा, ऐसी संतति भी इसने FNPD को प्राप्त करने के लिए जनक पेरेंट्स के रूप में काम में लिए थे ऐसे पौधे। लेकिन गोल हरा ऐसे पौधे इसने कहीं भी काम में नहीं लिए थे। गोल बीज और हरे रंग के बीज धारण करने वाले पौधे भी उत्पन्न हुए, और झुर्रीदार बीज, बीज का आकार झुर्रीदार था लेकिन बीज का रंग कैसा आ गया पीला। तो इस तरीके के धारण करने वाले पौधे भी प्रकट हुए। तो ये दो लक्षण थे, ये तो इसने जनक पेरेंट्स के रूप में दो लक्षणों को धारण करने वाले पौधे तो इसने काम में लिए थे, लेकिन F2PD के अंदर और अलग से नए दो लक्षण धारण करने वाले और पौधे उत्पन्न हो गए, जिनमें बीज का आकार जो गोल था उसके साथ हरा रंग आ गया, और जो बीज का आकार झुर्रीदार था उसके साथ क्या आ गया पीला आ गया। तो अब देखना ये है कि जो गोल पीले बीज वाले पौधे हैं इनकी संख्या कितनी प्राप्त हुई मेंडल को। फिनोटाइप निकालने के लिए हमारे को 4 प्रकार की संततियां देखने को मिल रही हैं। कुल मेंडल को F1PD में जो 16 संततियां प्राप्त हुई, 1, 2, 3, 4, 8, 12 और 16, तो प्राप्त होने वाली कुल 16 संततियों में कुछ पौधे गोल पीले बीज धारण करने वाले थे, कुछ पौधे गोल हरे बीज धारण करने वाले थे, कुछ पौधे झुर्रीदार पीले रंग के बीज धारण करने वाले थे, और कुछ पौधे ऐसे थे जिनके बीज झुर्रीदार और बीज का रंग कैसा था हरा। तो इस तरीके से इसको कुल 16 संततियों में 4 अलग अलग लक्षणों को धारण करने वाली संततियां इसको देखने को मिली। अब हमें देखना यह है कि ऐसे पौधों की संख्या कितनी थी जिनके बीज गोल थे और बीज का रंग पीला। तो देखो, जहां भी हमारे को कुल 16 संततियों में या तो दोनों R कैपिटल हो या एक R कैपिटल हो, और Y दोनों कैपिटल हो या एक कैपिटल हो, या तो दोनों R कैपिटल हो या एक R कैपिटल हो, या दोनों Y कैपिटल हो या एक R Y कैपिटल हो, तो वो कौन से पौधे हैं गोल पीले बीज वाले पौधे हैं। देखो, यहां दोनों R कैपिटल हैं, इसका मतलब एक तो हमें ये पौधा गोल पीले बीज वाला, इसमें भी R कैपिटल Y कैपिटल ये दूसरा, इसमें भी R और Y कैपिटल तीसरा, इसमें भी R और Y कैपिटल चौथा, इसमें भी R और Y कैपिटल पांचवा, यहाँ पर R तो कैपिटल है लेकिन Y कैपिटल नहीं है, इसका मतलब ये गोल बीज और हरे रंग वाले बीज वाला है, इसको काउंट नहीं करना। फिर एक ये है, फिर यहाँ पर भी ये Y स्मॉल है, यहाँ पर R कैपिटल Y कैपिटल एक ये है, यहाँ पर R कैपिटल Y कैपिटल एक ये है, फिर यहाँ पर भी R कैपिटल नहीं है, यहाँ भी कैपिटल नहीं है, यहाँ पर R और Y कैपिटल एक ये है, यहाँ और R कैपिटल है लेकिन Y कैपिटल नहीं है, और इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो 16 संततियों में से कुल 9 संततियां इसको देखने को मिली, ये कैसी थी गोल पीले बीज धारण करने वाले पौधे थे। तो गोल पीले बीज वाले पौधों की संख्या कितनी आई 9। इसके बाद हम बात करते हैं गोल एवं हरे रंग के। अब गोल एवं हरे रंग यानी बीज का आकार गोल, मतलब या तो दोनों R कैपिटल हों या एक R कैपिटल हो, और बीज का रंग हरा, इसका मतलब दोनों वाई क्या होने चाहिए स्मॉल होने चाहिए संतति के, संतति का जो जीनोटाइप है उसमें दोनों वाई कैसे नजर आने चाहिए हमारे को स्मॉल, आर दोनों कैपिटल हो सकते हैं या एक कैपिटल हो सकता है। तो देखो, अब इनको तो हमें काउंट ही नहीं करना है। अब बचे यहाँ पर, देखो एक पौधा ये है जिसमें दोनों वाई स्मॉल है, इसका मतलब एक तो ये है जिसको अपन मैं कुछ इस तरीके से चिन्ह लगा रहा हूँ, यहाँ पर भी दोनों वाई स्मॉल और आर कैपिटल है, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर R कैपिटल नहीं है, यहाँ पर Y स्मॉल है लेकिन R कैपिटल नहीं है, फिर यहाँ दोनों Y स्मॉल हैं और R कैपिटल है, एक ये हो गया। तो ऐसे पौधों की संख्या कितनी होगी, ऐसे कुल 16 संततियों में 3 संततियाँ ऐसी थी इनके अंदर गोल
और हरा लक्षण मौजूद था। बीज का रंग कैसा था? हरा। और बीज का आकार कैसा था? गोल। तो ऐसे पौधों की संख्या कितनी होगी? तीन। 16 संततियों में से तीन पौधे ऐसे देखने को मिले जो गोल एवं हरे रंग को धारण करने वाले थे। फिर बचा झुर्रीदार और पीला। अब झुर्रीदार आ रहा है तो इसका मतलब दोनों आर क्या होने चाहिए? स्मॉल। और पीला आ रहा है तो वाई दोनों बड़े या वाई एक बड़ा होना चाहिए। तो देखो जिसमें अब इनको तो अपने को काउंट करना ही नहीं है चूंकि ये तो सब काउंट हो गए। ये बचे यहाँ पर, इसमें दोनों आर स्मॉल हैं और वाई कैपिटल है, तो एक पौधा ये हो गया। अब इसको मैं डैश लगा के दर्शा देता हूँ। इसमें भी दोनों आर स्मॉल हैं और एक वाई कैपिटल है, दूसरा ये हो गया। इसमें भी दोनों आर स्मॉल और वाई कैपिटल हैं, तो तीसरा ये हो गया। तो ये जो तीन संततियां हैं ये हैं झुर्रीदार और पीले रंग धारण करने वाले, पीले रंग के बीज धारण करने वाले, जिनके बीज का आकार झुर्रीदार और बीज का रंग पीला। शेष बची हुई एक संतति, कुल 16 संततियों में से 15 काउंटिंग में आ चुकी। झुर्रीदार मतलब दोनों आर स्मॉल, मतलब दोनों वाई भी क्या होने चाहिए? स्मॉल। तो ये एक संतति जो बची वो ऐसी है जो झुर्रीदार बीज और हरे रंग का बीज धारण करने वाली है। तो इस तरीके से जो फिनोटाइप इसको नजर आया वो जो चार प्रकार की संततियां देखने को मिली, गोल पीले बीज धारण करने वाली, गोल हरे बीज धारण करने वाली, झुर्रीदार पीले बीज धारण करने वाली और झुर्रीदार हरे बीज धारण करने वाली। तो इस तरीके से इन चारों संततियों का जो अनुपात निकल के आया वो क्या आया? 9:3:3:1। कुल 16 संततियों में से 9 संततियां गोल पीले बीज धारण करने वाली, 3 संततियां गोल हरे रंग के बीज धारण करने वाली, 3 संततियां झुर्रीदार पीले बीज धारण करने वाली, 1 संतति झुर्रीदार हरे बीज धारण करने वाली। इसका मतलब जो अनुपात आया इसको अपने यहाँ शो कर देते हैं, इसको आप नोट कर लेना यहाँ से, मैं इसको हटा दिया। इसका जो फिनोटाइप निकल कर सामने आया F2PD का फिनोटाइप क्या निकल कर आया? F2PD का फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप अनुपात वो क्या आया? 9:1। ये हो गया संख्या ही तो दर्शानी अपने को, अनुपात 3:1। तो फिनोटाइप निकल के आ गया 9:3:3:1। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से तो इसने फिनोटाइप पौधों को देखकर ज्ञात कर लिया, उनका जो बीज का आकार था और जो रंग था उसको देखकर तो इसने प्राप्त होने वाली संततियों का फिनोटाइप देख लिया। अब चूंकि खाने के अंदर ये जो हमारे को जीनोटाइप शो हो रहा है इसके अंदर जो बीज मतलब देखने से गोल हैं बीज और बीज का रंग पीला है, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक संगठन है, वो कैसा है? तो इसके आधार पर फिर मेंडल ने क्या निकाला? F2PD का जीनोटाइप ज्ञात किया। तो अगर हम बात करें F2PD के जीनोटाइप की, F2PD का जीनोटाइप, अब देखो F2PD का जो जीनोटाइप है वो क्या निकल कर सामने आया? अब ये जो बीज गोल हैं और बीज का रंग पीला है इसमें हमारे को कौन कौन सी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं? देखो बीज अगर तो आनुवांशिक संगठन जांच करने पर इसको जो गोल पीले बीज वाले पौधे थे इसमें भी इसको अलग अलग जेनेटिक मटेरियल धारण करने वाले पौधे नजर आए। तो देखो जब बीज गोल है इसका मतलब दोनों आर कैपिटल हो सकते हैं, और बीज का रंग पीला है तो दोनों वाई भी क्या हो सकते हैं? कैपिटल। एक स्थिति तो ये हो सकती है, हो सकता है आर दोनों कैपिटल हों लेकिन वाई एक क्या हो? स्मॉल हो। एक स्थिति ये हो सकती है, हो सकता है एक आर कैपिटल हो एक स्मॉल हो और दोनों वाई क्या हो? कैपिटल हो। एक स्थिति ये हो सकती है, ये जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। हो सकता है एक जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक संगठन ये हो सकता है कि एक आर कैपिटल एक स्मॉल, एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल। इस तरीके से जो गोल पीले बीज वाले, देखो ये भी गोल पीले बीज वाला है, ये भी गोल पीले बीज धारण करने वाला पौधा है, ये आनुवांशिक संगठन भी गोल पीले बीज धारण करने वाला है और ये जेनेटिक मटेरियल भी गोल पीले बीज के लिए ही शो हो रहा है। तो इस तरीके से गोल पीले बीज वाले जो पौधे इसको प्राप्त हुए थे उसमें चार प्रकार का जेनेटिक मटेरियल इसको देखने को मिला। अभी हम इनको यहाँ काउंट करेंगे अलग अलग। अगर गोल हरे की बात करें, गोल हरे की अगर हम बात करें तो गोल हरे के अंदर देखो अगर बीज का आकार गोल है तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक संगठन में दोनों आर क्या होंगे? कैपिटल। लेकिन अगर रंग हरा है तो दोनों वाई क्या होंगे? स्मॉल। एक जेनेटिक मटेरियल ये हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि एक आर कैपिटल हो और एक स्मॉल हो और दोनों वाई क्या हों? स्मॉल हो। ये मटेरियल भी हो सकता है, तो ये गोल हरे के लिए दो स्थितियां होगी। इसी तरह अगर हम झुर्रीदार पीले की बात करें तो कि बीज का आकार अगर झुर्रीदार है तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या होगा? तो दोनों वाई क्या हो सकते हैं? कैपिटल। एक आनुवांशिक संगठन ये हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आर दोनों क्या हों? स्मॉल हों, क्योंकि झुर्रीदार है लेकिन पीला रंग आ रहा है तो एक वाई कैपिटल और एक वाई क्या हो? स्मॉल हो। ये जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है। अगर झुर्रीदार हरे की बात करें तो चूँकि झुर्रीदार है तो आनुवांशिक संगठन
में स्मोलार, स्मोलार और रंग हरा है तो अनुवांशिक संगठन में स्मोल वाई स्मोलार। यहाँ पर झुर्रेदार हरे का भी एक ही अनुवांशिक संगठन अपने को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब इन चारों फिनोटाइप्स का जेनेटिक मटेरियल जांच किया गया तो मेंडल को इन चारों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 प्रकार का क्या देखने को मिला, जेनेटिक मटेरियल देखने को मिला। अब हमें इनकी काउंटिंग करनी है, काउंटिंग के आधार पर ही हमारे को एफ टू पी डी का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। काउंटिंग कहाँ से करनी है, हमारे को चक्रबोर्ड में से काउंटिंग करनी है। देखो, हमें कुल ऐसे पौधों की संख्या गिननी है जिनके अंदर दोनों आर कैपिटल हों और दोनों वाई कैपिटल हों। देखो, अगर यहाँ से हम काउंट करें तो पूरे चक्रबोर्ड में केवल और केवल एक ही कॉलम ऐसा है जिसमें दोनों आर कैपिटल हैं और दोनों वाई कैपिटल है। इसका मतलब दोनों आर कैपिटल और दोनों वाई कैपिटल ऐसा जेनेटिक मटेरियल धारण करने वाले पौधों की संख्या कितनी है, संततियों की संख्या एक, ठीक है भाई। लेकिन अगर हम बात करें जिसमें दोनों आर कैपिटल हों और एक वाई स्मॉल हो तो हमें यहाँ से काउंट करना पड़ेगा। देखो, दोनों आर कैपिटल हैं, इसको हम काउंट कर चुके इसलिए इसको अब काउंट नहीं करना। दोनों आर कैपिटल हैं, एक वाई स्मॉल है, इसकी संख्या एक, और फिर दोनों आर कैपिटल हैं और एक वाई स्मॉल है, संख्या दो। इसके अलावा पूरे चेकरबोर्ड में कहीं पर भी दोनों आर कैपिटल और एक वाई स्मॉल हो ऐसा संगठन हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो एग्जैक्ट इनकी संख्या कितनी होगी, एक तो ये हो गया और एक हो गया ये, तो इनकी संख्या कितनी होगी, दो। तो इस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल धारण करने वाली संततियों की संख्या कितनी है, दो। अब हमें यहाँ से देखना है जिसमें एक आर कैपिटल हो एक स्मॉल हो, लेकिन वाई दोनों क्या होने चाहिए, कैपिटल। तो ऐसे पौधों की संख्या अगर अपन गिनेंगे तो देखो, इसमें दोनों वाई कैपिटल हैं, एक आर स्मॉल है, एक। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर भी देखो, दोनों वाई कैपिटल हैं, एक तो हो गया ये, एक ये हो गई दूसरी संतति जिसमें दोनों वाई कैपिटल हैं और एक आर क्या है, स्मॉल। इसके अलावा अगर हम इसके अलावा और कहीं चेकरबोर्ड में देखें तो हमारे को ऐसी कोई संतति नज़र नहीं आ रही, तो इनकी संख्या कितनी होगी, एक तो ये होगी, तो इनकी संख्या कितनी होगी, दो। अब हमें काउंट करना है किसको, जिसमें एक आर कैपिटल और एक वाई कैपिटल। तो देखो, यहाँ पर एक संतति ये होगी जिसमें एक आर कैपिटल है और एक वाई कैपिटल है, एक। फिर एक संतति ये होगी जिसमें एक आर कैपिटल है और एक वाई कैपिटल है, दो। फिर एक संतति ये होगी जिसमें एक आर कैपिटल है और एक वाई कैपिटल है, तीन। फिर एक संतति ये होगी जिसमें एक आर कैपिटल है और एक वाई कैपिटल है, चार। इसका मतलब आपको क्रम से ये जो चारों संततियाँ देखने को मिल रही हैं, जिनको अपन यूँ डैश करके भी दर्शा सकते हैं, ये जो चारों संततियाँ आपको देखने को मिल रही हैं ये क्या हैं, जिस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल धारण करने वाली संततियाँ हैं। इनकी संख्या कुल कितनी हो गई भाई, चार, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें दोनों आर कैपिटल हों और दोनों वाई क्या हों, स्मॉल हों। तो अब इनको सबको हमने काउंट कर लिया और इधर से इनको भी हमने काउंट कर लिया। शेष बची हुई संततियों में देखो, ये जिसमें दोनों आर कैपिटल हैं और दोनों वाई क्या हैं, स्मॉल, तो इसकी संख्या हो गई एक। और इसके अलावा हमें ऐसी कोई भी संतति और नज़र नहीं आ रही, तो इसकी हमें संख्या दर्शानी है एक। अब हमें देखना है कि वाई तो क्या होने चाहिए, इनको मिटा देता हूँ, ये पहले अपन ने जो फिनोटाइप चेक किया था उसका टिक किया हुआ है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसमें एक आर स्मॉल हो और वाई दोनों क्या होने चाहिए, कैपिटल। तो यहाँ पर देखो, आर स्मॉल है और वाई दोनों कैपिटल हैं, यहाँ पर इसकी एक संख्या हो गई ये, तो ये हो गई दो संततियाँ ऐसी, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। फिर हम आ जाते हैं ऐसी संततियों में जहाँ पर दोनों आर स्मॉल हों और दोनों वाई क्या हों, कैपिटल। तो देखो, यहाँ दोनों आर स्मॉल हैं, एक, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, एक हो गई भाई। फिर हम ऐसी संतति में आ जाते हैं जहाँ दोनों आर स्मॉल हों लेकिन एक वाई कैपिटल और एक वाई क्या हो, स्मॉल हो। तो देखो, एक ये रही और एक ये रही, ऐसों की संख्या कितनी हो गई, दो। और अगर हम बात करें स्मॉल, तो इसको टिक कर दो, ये सिर्फ एक ही जो खाना बचा ये कोना लास्ट वाला, इसके अंदर दोनों आर और दोनों वाई क्या है, स्मॉल, तो इनकी संख्या भी कितनी हो गई, एक। तो अब हम हमारे को जब ये जेनेटिक मटेरियल चक्रबोर्ड के आधार पर हमने सभी पौधों को काउंट कर लिया तो उसके बाद इसका जो आनुवांशिक संगठन आया, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल में पादपों की संततियों की हमें संख्या प्राप्त हुई, इसी संख्या को अपने को लिखना है। देखो, यहाँ से मैंने इसको लिखा एक अनुपात फिर दो अनुपात फिर दो अनुपात फिर चार अनुपात फिर एक अनुपात फिर दो अनुपात फिर एक अनुपात फिर दो अनुपात और फिर सबसे लास्ट में एक। तो ये हमारे पास F2PD का क्या निकल कर आ गया, जीनोटाइप निकल कर आ गया। क्या आ गया, जीनोटाइप।
एक अनुपात दो अनुपात, दो अनुपात चार अनुपात, एक अनुपात दो अनुपात, एक अनुपात दो अनुपात एक। ये एफ टू पी डी का जीनोटाइप आ गया। याद रखने के लिए इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हैं। अब ये संख्या तुम वैसे भूल जाओगे, हालांकि चेकरबोर्ड के अकॉर्डिंग निकल कर यही आएगा। ये आपको हमेशा निकाल कर ही शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, जब भी कभी आपसे इसके पूरे को एक्सप्लेन करवाया जाए। लेकिन अनुपात को अपने को शॉर्ट में इस तरीके से याद रख सकते हैं, 12 24 12 12 1। या तो आप ऐसे याद रख लो 12 24 12 12 1, या ऐसे याद रख लो 122 412 121। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं, 122 412 121 या 12 24 12 12 1। तो इस तरीके से ये क्या निकल कर आ गया, एफ टू पी डी का जो जीनोटाइप अनुपात था वो निकल कर सामने आ गया। इस तरीके से मेंडल ने, एक बार मैं इसको पूरे को कंप्लीट शो कर देता हूँ, इस तरीके से मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस में दो लक्षणों को आधार मानकर इस द्विसंकरण प्रयोग को समझाया और बताया कि जब दो लक्षणों को आधार मानकर लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, द्विसंकर संकरण कहा जाता है। इसने जो अपने जो विप्रियाशी लक्षणों की सूची थी उनमें से हम कौन से दो लक्षणों के आधार पर इसको समझा रहे हैं, बीज का आकार और बीज का रंग। अब सबसे पहले क्या किया गया, पेरेंट्स यानी जनक पौधे काम में लिए गए। अब जनक पौधों के तौर पर मेंडल ने कौन से पौधे काम में लिए, एक पौधा तो वो लिया जिसपे जो बीज थे वो गोल आते थे और बीज का रंग कैसा होता था, पीला। संकरण कराने के लिए जो दूसरा पौधा इसने काम में लिया जनक पौधे के रूप में, वो लिया जिसके अंदर बीज कैसे आते थे, झुर्रीदार, और बीज का रंग कैसा होता था, हरा। ठीक है, तो गोल पीले बीज धारण करने वाले पौधे का क्रॉस झुर्रीदार हरे रंग के बीज धारण करने वाले पौधे से मेंडल ने करवाया। जब इनका पौधों का क्रॉस करवाया तो गैमेट्स बने, जब युग्मकों का सेलन हुआ तो बीज बने, जब बीजों को उगाया तो संततियां प्राप्त हुई। जो संततियां प्राप्त हुई वो कौन सी पीढ़ी की संततियां थी, F1 पीढ़ी की संततियां। जितनी भी F1 पीढ़ी के पादप मेंडल को प्राप्त हुए सभी कैसे पौधे प्राप्त हुए, गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त हुए, झुर्रीदार एवं हरे रंग का लक्षण F1 पीढ़ी में कहीं भी प्रकट नहीं हुआ। अब इन्हीं F1 पीढ़ी के पादपों के बीच मेंडल ने क्या होने दिया, स्वपरागण। जब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण हुआ तो ये F2 पीढ़ी के लिए पेरेंट्स हैं, इनमें क्या बने, गैमेट्स बने। जब इन गैमेट्स का मेंडल ने सेलन करवाया तो ये जो गैमेट्स हैं इनके सेलन से ये जो संततियां प्राप्त हुई ये F2 पीढ़ी की संततियां हैं। तो मेंडल को F2 पीढ़ी की जो संततियां मिली इन संततियों के अंदर चार प्रकार का फिनोटाइप इसको देखने को मिला। कुल प्राप्त संततियों में कुछ संततियां गोल पीले बीज वाली थी, कुछ संततियां गोल हरे बीज धारण करने वाली थी, कुछ संततियां झुर्रीदार पीले बीज वाली और कुछ झुर्रीदार हरे रंग का बीज धारण करने वाली थी। जब इसका अनुपात इसने निकाला तो जो फिनोटाइप निकल कर सामने आया वो क्या आया, 9:3:3:1। फिर चेकरबोर्ड के आधार पर जब इन संततियों के जेनेटिक मटेरियल की जांच करी गई तो मेंडल ने देखा कि जो कुल संततियां प्राप्त हुई थी उनमें 16 संततियों में 9 प्रकार का जेनेटिक मटेरियल मेंडल को देखने को मिला। उनमें से तब जेनेटिक मटेरियल के आधार पर इसने संततियों की जब संख्या काउंट करी तो जो अनुपात निकल कर आया F2PD का, जो जीनोटाइप निकल कर आया, वो निकल कर आया 1:2:2:4:1:2:1:2:1 यानी 12:24:12:12:1 या याद रखने के तौर पर अपने से 122 412 121 के तौर पर भी काम में ऐसे याद भी इसको अपन रख सकते हैं। इस तरीके से मेंडल ने F2PD का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाला। ये जो मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस अपने पड़े हैं इनको एक बार अपन ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, मेंडल के एकल संकर प्रयोग एवं द्विसंकरण प्रयोग के आधार पर हमने इनको यहाँ समझ लिया है। अब आगे हम इन्हीं संकरण प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने अपने आनुवांशिकी को समझाने के लिए 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। आगे हम मेंडल के इन दिए गए नियमों को इन्हीं मोनोहाइब्रिड एवं डाईहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर समझेंगे। मेंडल का मुख्य उद्देश्य डाईहाइब्रिड क्रॉस को करने का क्या था, ताकि वो आनुवांशिकता के लिए नियम का प्रतिपादन कर सके। और मेंडल ने F1PD प्राप्त करके और F2PD प्राप्त करी तो इसका कारण ये था कि वो अपने आनुवांशिकी के जो नियम हैं इनको इन्हीं संकरण प्रयोगों के आधार पर क्या करना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था। तो जब हम आनुवांशिकी के नियम पढ़ेंगे तो एक बार हम फिर से मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड संकरण प्रयोग की वहाँ पर बात करेंगे। थैंक यू, शेष बचाओ आपका दिन बहुत शुभ रहे, बाकी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।